दो दिन विधानसभा में सम्मेलन समारोह कार्यक्रम में 2003 नेताओं ने बीजेपी का थामा दामन। आपको बता दें कि जिले में विपक्ष के बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल। बसपा के पूर्व राज्य मंत्री जिला अध्यक्ष सुभाष खरवार, कांग्रेस जिला सचिव ज्ञानू जैसे बड़े चेहरे रहे। वहीं सपा अपना दल सहित दर्जनों ग्राम प्रधान शामिल हुए, कुछ अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल। भाजपा जिला अध्यक्ष ने सभी को पार्टी में सम्मान दिलाने की बात कही। वहीं दुद्दी रामलीला मंच पर 129 तो बघाड़ू पंचायत भवन में प्रधान सहित नेता शामिल हुए। सोनभद्र में दुद्दी में आयोजित विधानसभा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन दुद्दी तहसील सहित अन्य स्थानों पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला अध्यक्ष नंदलाल गुप्ता के निर्देश पर दुद्दी विधानसभा 403 में सबका साथ सबके विकास व सबके विश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों व विचारधारा से प्रभावित होकर विपक्ष के पार्टियों में ब्लॉक भपनी, मेरपुर व दुद्दी से वरिष्ठ सपा बसपा कांग्रेस नेताओं सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों के प्रांत व जनपद स्तर के उच्च पद व उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री व पूर्व बसपा जिला अध्यक्ष सुभाष खरवार, सपा के पूर्व जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण धीरकाल, हरकेश्वर गौड़, अपना दल विधानसभा युवा मोर्चा अध्यक्ष विदेश कुशवाहा, कांग्रेस जिला सचिव ज्ञानेंद्र प्रसाद उर्फ व दुद्दी के दर्जनों प्रधानों में सुभाष भारती, त्रिभुवन यादव, प्रतिनिधि संतोष पनिका, प्रकाश भारती, निरंजन जायसवाल, अब्दुल्ला सहित अल्पसंख्यकों ने भाजपा के विचारधारा से प्रभावित बताकर पार्टी की सदस्यता लिया। देखिए, आज भाजपा में जो सम्मान है आदिवासियों का, चाहे इस देश का राष्ट्रपति हो, चाहे आप इस क्षेत्र के बारे में आप आदिवासियों की, जो आज भाजपा ने जो किया इनके लिए, वो किसी दल ने नहीं किया। मुझे आदिवासी होने के नाते मैं इनकी और मदद इनसे करना चाहता हूँ ताकि बेहतर स्थिति इनकी हो जाए। यही कहना इनकी, क्योंकि बीएसपी का एक नारा था सौरजन हिताय सौरजन सुखाय, और भाजपा का एक नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो कहीं ना कहीं सबका साथ सबका विश्वास जो है वो भारी दिख रहा है, क्या मानते हैं इस पर? हाँ, फल दिख रहा है बिल्कुल। आज जो विकास की जो वो है, चाहे देश का विकास हो चाहे राज्य का विकास हो, उससे बेहतर हुआ है। जो निचले तबके लोग हैं, दलित आदिवासी पिछड़ा वर्ग जो आज देखने को मिलता है, आज भाजपा में काफी उनको हुआ है। तो ये सब काम करने का हमें लगा। आज जो आपने भाजपा ज्वाइन किया है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए या पार्टी विशेष पर? कहा इसलिए है कि हम मोदी जी हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री से प्रभावित होकर मैं पार्टी ज्वाइन किया हूं। और इससे पहले मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस के जिला सचिव पद पर था, और पूर्व में मैं जिला पंचायत चुनाव भी लड़ चुका हूं। कहीं न कहीं से अच्छा लगा इस पार्टी में, परिवार में, इसलिए मैं, और मेरे को पार्टी में घुटन हो रही थी, कांग्रेस पार्टी में घुटन हो रही थी, इसलिए हम इस पार्टी को ज्वाइन किया। क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रहा है और सभी ने सम्मिलित एक पार्टी बनाई है, ईडी पार्टी। तो क्या लगता है कि ईडी एनडीए पर इस बार हावी रहेगी या क्या कहना है? एनडीए पर कोई हावी नहीं हो सकता। सदस्यता ग्रहण से अच्छा लगा हमको, बीजेपी अच्छा लगता है, बचपन से भी हम बीजेपी समर्थक हैं, और अपना परिवार है, मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। आज एक डोरी में बैठे, एक माला में खड़े हैं मोदी जी का। मोदी जी इतना मेहनत करें तो हम लोग का कार्यकर्ता होने के हक से ये है कि हम लोग भी कार्य क्षेत्र में उनका सहयोग कदम से कदम मिले। चूंकि आप महिला हैं और अभी नगर पंचायत चुनाव में आपने शायद सदस्य पद के लिए नामांकन किया था, चुनाव भी लड़ा था, निर्दल प्रत्याशी थे, क्या उस समय ये जो भावना आज आपको उत्प्रोत हुई है उस समय नहीं थी? नहीं नहीं, उस समय भी भावना थी, लेकिन उतना नॉलेज नहीं था, नॉलेज नहीं था, थोड़ा सा समझदारी नहीं था। आज यहाँ पर कुल 123 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का इस ग्राउंड में भी ज्वाइन किया। अभी इसी विधानसभा का बघाड़ू में वहां मैं जा रहा हूं, वहां भी और लोग भी करेंगे। प्रमुख नेताओं में हमारे यहां सुभाष खरवार जी, बर्फीलाल जी, ज्ञानू महाराज जी, रमाशंकर गौड़ जी सहित अनेक वरिष्ठ नेता लोगों ने यहां पर विभिन्न दलों से, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, ऐसे लोगों ने भी ज्वाइन किया। बहुत अच्छा है कि सरकार रहा, शासन सरकार का बहुत अच्छा रहा, जो सरोजन विद्या सरोजन सुखाया के बारे में हर वर्ग लोगों को विकास की धारा बढ़ता है बीजेपी सरकार में, इससे हम लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे।
तो इस बार लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि 300 से पार 400 से ज्यादा, बिल्कुल क्या कहना है आपका? बिल्कुल पार जाएगा, बिल्कुल जाएगा, सारे लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो पूरा पूरा ही जाएगा।